टेम्परेट डिशिडिस फॉरेस्ट फर्स्ट द कॉन्टेंट्स एनिमल लाइफ इन टेम्परेट डिशिडिस फॉरेस्ट लोकेशन ऑफ टेम्परेट डिशिडीज फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन टेम्परेट डिडीज फॉरेस्ट स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें कि द एनीमल लाइफ इन टेम्परेट डिशिडीज फॉरेस्ट सो जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेम्परेट डिडीज फॉरेस्ट हैं दे आर हैविंग द फर्टाइल सॉयल वेरी फर्टाइल सॉइल इज देयर

जैसे हमारे पास एनी लीड्स हैं आर्थरोपोर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं या और बाकी स्पीशीज जो हैं वो इसका मतलब है कि दे आर इन रिच देयर वहाँ उनकी जो है वो मैक्सिमम जो है वो जो है वो, जा वो आ, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है मौजूद होगा तो हम कह सकते हैं कि जो प्ला एनिमल लाइफ है वो जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा होगी वहाँ जो ब्लूम करेगी इन टेम्परेरी डिसडीज फॉरेस्ट के अंदर सो अगर हम इसलिए अगर हम बात करें अबाउट द आर्थरोपोर्ट्स आर्थोपोट में स्पाइडर्स हैं एंट्स हैं बीज हैं और नंबर ऑफ अदर आर्थोपोड जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द टेम्प्रेड डिस फॉरेस्ट सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वर्म्स हैं स्पेशली अगर हम देखें एनीलीड्स की बात करते हैं एनीलीड्स और निमा जो हैं जो सॉइल डिवेलिंग हमारे पास एनिमल्स हैं तो दे आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर अब हम बात करते हैं जो हमारे पास लार्ज नंबर जो लार्ज साइज एनिमल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल्टी आ जाते हैं तो uh, वराइटी ऑफ वर्टिब्रेट्स आर इज लिविंग देयर उसके दो रीज़न्स हैं नंबर वन दे आर द लार्ज ट्रीज ऑफ इन डिसडीज फॉरेस्ट डिसडिस फॉरेस्ट के अंदर लार्ज ट्रीज हैं तो जो ट्री डिवेलिंग एनिमल्स हैं वो वहाँ पाए जाएंगे जो ट्रीज़ के ऊपर आते हैं वहाँ जहाँ वो पाए जाते हैं इस तरह से चूँकि वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ हरबी बोर्स का नंबर भी ज़्यादा होगा जब हर्बी बोर्स ज्यादा होंगे डियर्यर ज़्यादा होंगे या इससे रेलिवेंट जो बाकी हर्बी बोर्स ज़्यादा होंगे तो अल्टीटली वहाँ फिर कार्नीबोर्स भी मिले ज़्यादा होंगे तो इस तरह से हमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एंड कारनीवोर्स और इस तरह से हमें जो वो जो सॉइल डिवेलिंग एनिवर्टिब्रर्ड्स हैं वो मिलते हैं टेम्परेट डी फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें इन डायग्राम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स आर देयर डिफरेंट टाइप्स के स्पाइडर्स जो हमें वहाँ मिलेंगे एंडस की आ ह्यूज वराइटी ऑफ एंट्स लिव देअर जो कि एंट्स जो हैं वो भी डिफरेंट ट्रीज के अंदर या सॉइल डिवेलिंग एनिमल्स हैं तो दे आर प्रेजेंट देंट सो इनवर्टिब्रेट्स की एक लॉन्ग रेंज हमारे पास जो वो यहाँ मौजूद है सिमिलरली दर्टीब्रड्स वर्टी ब्रिड्स के अंदर हर्बी बोर्स जो सबसे फेमस हर्बी बोर्स जो कि टेम्परेट डिडीज फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है दैट इज द वाइल टेल्ड डियर वाइल टेल्ड डियर जो है वो इट इज प्रेजेंट इन द टेम्परेट डिडीज फॉरेस्ट दूस मूज इज ऑल्सो अलार्ज हरबीवोर प्रेजेंट इन देश डिस फॉरेस्ट सिमिलरली दार्निवर्स वेन द हरबीवर आर देयर हरबीवोर्स की बहुत सारी वराइटीज़ हैं इस तरह से कार्नीवर्स वहाँ मौजूद हैं वुल्वस हैं दैन प्राइमेट्स की अगर हम बात करते हैं रेकूनस आर देयर लार्ज कार्निवोर्स में अगर हम बात करते हैं टाइगर्स आर देयर लाइन्स आर देयर सिमिलरली द बियर ब्राउन बियर इज प्रजेंट इन द डिसडियस फॉरेस्ट सो वेयर आर द टेम्परेट डिशिडीज प्रजेंट इन द वर्ल्ड तो टेम्परेट डिसडीज फॉरेस्ट जो है वो, वो वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद है तो नॉर्मली द ईस्टर्न यू एस ए दा जापान चाइना एंड द सम पार्ट ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया इज़ हैविंग द टेम्परेट डिसिडिस फॉरेस्ट अच्छा इसमें अगर हम देखें तो टेम्परेट डिसिडिस फॉरेस्ट जो है ये प्रीवियसली इन एरियाज के अंदर एग्जिस्ट करते थे लेकिन प्रकरंट स्नैरियो में अगर हम देखें तो बहुत सारा टेम्परेट डिसिडिस फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको एग्रीकल्चर के लिए प्रैक्टिस के लिए जो यूटिलाइज़ कर दिया गया है मैप के अंदर अगर हम देख लें यहाँ तो हमारे पास जो टेम्परेट डिशिडियस फॉरेस्ट हैं जिसको हम टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट का नाम भी दिया जाता है तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास हेयर अमेरिका का ऐस्टर्न ईस्टर्न पार्ट आ जाएगा सिमिलरली सम पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर हमें ये मिलेंगे इसी तरह से हमें जापान के अंदर ये मिलेंगे जापान और जो कोरिया का रीजन है यहाँ मिलेंगे सिमिलरली सम पार्ट ऑफ़ दी ऑस्ट्रेलिया सो so, ये डिफरेंट एरिया रीजन्स हैं वर्ल्ड के जहाँ टेम्परेट डिसडीज फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं या पाए जाते थे जो कि बहुत सारे टेम्परेट डिस फॉरेस्ट जो है वो करंटली एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज दे हैव हैविन रिमूव फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सो ह्यूमन इम्पैक्ट जैसे अगर हम अभी अभी हम बात कर रहे हैं कि जो टेम्परेट डिसिटी फॉरेस्ट हैं दे आर हैविंग वेरी फर्टाइल लैंड फर्टाइल लैंड होने की वजह से यही चीज़ उनके लिए जो है कि ह्यूमन जो उसको एक एक्सपोज कर रहा है कि जो टेम्परेड डिस फॉरेस्ट जो है डेडीजी फॉरेस्ट दे आर रिमूव फॉर द एरीकल्चरल प्रेक्टिस कि वहाँ जो है एग्रीकल्चर लैंड जो इस्टेब्लिश कर दी गई हैं जिसकी वजह से जो वो टेम्परेड डिस फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया गया एक दूसरा इम्पेक्ट ये है टेम्परेस डिस फॉरेस्ट को दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में यूज़ कर लिया गया फॉर द इंडस्ट्रियल परपजेज़ तो इस तरह से टेम्परेड डिस फॉरेस्ट की जगह अब हमारे पास जो है वो कमर्शियल फॉरेस्ट्री जो है वो आ गई है तो दीज आर दी Two main reasons which are actually declining the temporary deciduous forest area.